आप हमको मारिएगा ना ना आप जाइए जाइए हम चमार है तो हमको भगा दीजिएगा बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं आप हमको मारिएगा आप थके लिएगा ना ना आप जाइए जाइए हम चमार है तो हमको भगा दीजिएगा फिर जय भीम दोस्तों मैं आपका दोस्त लखनऊ का बहुजन अगर आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है तो आप अपने अधिकार की बात नहीं कर सकते इस देश में ऐसे हालात बना दिया गया है अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा अगर सीए एनआरसी का विरोध करते हैं तो आपको वोट मांगने और घूमने का अधिकार नहीं है ऐसा ही घटना सामने निकल गया है गोपालगंज जिला से जो 99 बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र की बात है यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी मनोज कुमार रंजन जी हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं इनके साथ में इनके कार्यकर्ता को आज थप्पड़ मारा है राजपूत समाज के लोगों ने जो ग्राम पड़ता है भीमपुरवा और पोस्ट पड़ता है काशी टेंगरा ही और ब्लॉक पड़ता है बैकुंठपुर और थाना महमूदपुर पड़ता है वहाँ पे आवेदन दे दिया गया थाना अब देखिए कार्रवाई क्या होता है बात है कि घटना सामने निकल के जो आई है वो दिन 11 बजे आज दिन 11 बजे दिन की घटना है और बात ये है यहाँ का मुद्दा ये है कि जो उन्होंने बायलेट पेपर छपवा रखा है उसमें एनआरसी और सीए का विरोध करते हुए फोटो उन्होंने छपवा रखा है इसी पर बात आगे बढ़ गई उन्होंने पूछा कि यहाँ पे हम लोग एनआरसी का सपोर्ट करते हैं ताकि मुसलमान देश से निकल कर चले जाए इसी पे वहाँ पे बस हुई जो उनके कार्यकर्ता थे जिनका नाम राजकुमार राम जी हैं उन्होंने कहा कि इस देश में सिख मुस्लिम हिंदू सबको रहने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख है सबको रहने के लिए संविधान इजाज़त देता है जैसे संविधान की बात करके उन्होंने गाली देने लगा कि अगर संविधान की तू बात करता है तो तू चमार ही होगा ऐसे करके उन्होंने चार थप्पड़ मारा है ऐसे घटना निकल कर सामने आया है यानी कि जो इस देश में सीए और एनआरसी का विरोध करता है उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा ऐसे सामंतवादी लोगों का जो जातिवाद ब्राह्मणवाद किस्म के जो लोग हैं ऐसी इनकी सोच है मैं नाम बता देता हूं वो राजपूत थे और उनका मंजीत सिंह नाम है संजय सिंह नाम है ऐसे लोग जो हैं जो कुछ लोग हैं जो जातिवाद सोच के लोग हैं जो इस देश के संविधान को नहीं समझते हैं संविधान के दायरे में रहकर काम नहीं करना चाहते हैं और ऐसे ही कुछ सामंतवादी जो लोग हैं जो संविधान को मिटाना चाहते हैं जो संविधान के प्रति जलाना चाहते हैं और जलाते हैं ताकि यहाँ के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को हमेशा गुलाम बना के रखा जा सके मनोज रंजन से बात हुआ है आप वीडियो को पूरा देख लीजिए विधानसभा क्षेत्र का निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और आज सुबह पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपने दो तीन चार समर्थकों के साथ जनसंपर्क हम लोग करते हैं निचले तबके के गरीब तबके के हम लोग प्रत्याशी हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा भी हमारे पास नहीं हम लोग नहीं करते हैं इसी दौरान हम लोग मात्र हमारे पास पर्ची और बाइक से चलते हैं कभी कभार तो उसमें तेल लगता है तो हम लोग पर्ची बांटते हुए जा रहे थे एक गलित बस्ती है भीमपुरवा गांव में तो उसी भीमपुरवा गांव में जैसे ही हम लोग एंट्री कर रहे थे तो बगल में कुछ दबंग लोग थे सामंतिक किस्म के लोग थे ये हमारी पर्ची को लेकर पढ़ा जिसमें एक जिक्र है कि हम एनआरसी के आंदोलन जो गोपालगंज जिले में चला था अनिश्चितकालीन धरना पूरे 76 दिन चला था उसमें 73 दिन और 73 रात हमने वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और एनआरसी का पूरी तरह से जोरदार तरीके से विरोध किया था अपने साथियों के साथ इंसाफ मंच और अन्य साथियों के साथ तो इसी पर्ची पर उन्होंने किसी ने कमेंट किया कि हम एनआरसी के सपोर्टर हैं हमारे समर्थक राजकुमार राम लखन कुमार जी मेरे साथ थे तो राजकुमार भाई बोले कि वे लोग बोले कि हम लोग हिंदू हैं मुसलमान को यहाँ से भगा देना है इसलिए हम लोग एनआरसी का सपोर्ट करते हैं इसी बात पे राजकुमार भाई बोले जो पुराने मिशनरी कार्यकर्ता इन्होंने कहा कि भाई देश संविधान से चलता है किसी के भगाने से मुसलमान यहाँ से नहीं भागेगा इतनी सी बात है तब तक हम पीछे मुड़कर देखे तो व्यक्ति तीन चार थप्पड़ इनको मार दिया जिसकी वजह से इनके आंख पे चोट का निशान आ गया इसकी इलाज सिधवलिया हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र में कराई गई है और साथियों ये लोग हैं जो कहीं ना कहीं निचले तबके के गरीब के लोगों को आवाज़ को दबाना चाहते हैं आज एक झोंपड़ी में रहने वाले प्रत्याशी की आवाज़ दबाना चाह रहे हैं तो मैं ये बता दे रहा हूँ जो कुछ भी हो हमारी लड़ाई किसी धर्म संप्रदाय से नहीं है जाति से नहीं है हमारी पर्ची पर भी लिखा हुआ है हम हर रोज़ कहते हैं हमारी लड़ाई इस देश में बहुत बड़ी मनुवादी पूंजीवादी सामंतिक ताकत जो है उससे ही लड़ाई झोंपड़ी बनाम महल के बीच है मालिक बनाम मजदूर के बीच में लड़ाई है और ये जो मालिक किस्म के लोग हैं वे लोग जो मालिक के बेटे हैं मजदूर के बेटे को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं और एक न एक दिन इसी बैकुंठपुर की धरती से इसी झोंपड़ी से कोई ना कोई ऐसा
गरीब आएगा जो इनको बता देगा, जिनको जवाब मिलेगा, इन सामंती ताकतों को ख़त्म करेगा। इसी के साथ आज हम लोगों ने टाउन थाना में आवेदन दे दिया है, कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं सरकार से। तो कार्रवाई के लिए हम लोग उम्मीद रखते हैं, हम आवेदन निवेदन करते हैं थाना प्रभारी महोदय से, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, एसडीपीओ साहब से और डीएम साहब से कि इस मामला में तुरंत से तुरंत संज्ञान लिया जाए और अपराधी को उसकी कानूनी कार्रवाई की जाए। जय भीम। हम हिंदू की लड़ाई लड़ने नहीं आए भाई मेरे, हम आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने आए हैं, हम प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ने आए हैं, तो हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। पूछे जात का है, वो आपसे नहीं पूछे हैं, आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं। एनआरसी हम कहने हैं भाई, एनआरसी का बात का है, हम सपोर्ट नहीं करते, हम विरोध करते हैं, हम करते हैं। जात हम तो नहीं पूछ सकता, आपसे नहीं पूछा है। लोकतंत्र का अधिकार है, सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। तो हमको मारिएगा, आपको मारने का अधिकार है, हमको मारिएगा, आपको बढ़ा के लिए ना आप जाइए जाइए, मन हम चमार है तो हमको भगा दीजिएगा। फिर जात पात जात पात करिए ना, जो भी करना है प्रजातांत्रिक बात कर रहे हैं। हां जात अभी चमार है, वीडियो कर रहा है तू।